दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बेरिक टाउन में रहने वाली एना नाम की लड़की, जो पिछले महीने से काफी चिड़चिड़ापन और अपने घर वालों से झगड़ रही थी, उसके पेरेंट्स भी एना के इस बिहेवियर को कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो अपना सारा वक्त अपने कमरे में क्लाउन डॉल के साथ ही गुजारती थी। दूसरी तरफ रोबन नाम के लड़के का एक क्लाउन से टकरा हुआ, जिसके बाद वो गायब हो गया। जब पुलिस ने उसकी छानबीन की तो पेड़ के साथ उसकी लाश लटकी हुई थी और उसके चेहरे पर क्लाउन का मेकअप किया हुआ था। अब आगे, 15 साल के रोबन का इतनी बेरहमी से कत्ल हुआ था कि पूरा बेरिक टाउन उसी की बात कर रहा था। हर न्यूज चैनल पर बस रोबन की ही डेथ की न्यूज चल रही थी। न्यूज में यह बताया जा रहा था कि 15 साल के रोबन लड़के का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है, और दूसरी तरफ पुलिस भी यह बयान जारी कर रही थी कि हम जल्द ही रोबन के कातिल को पकड़ लेंगे। जॉनी भी टीवी पर न्यूज देख रहा था। जॉनी रोबन का दोस्त और क्लासमेट था। पिछली शाम मरने से पहले रोबन जॉनी के घर ही हैंगआउट कर रहा था। जॉनी भी रोबन की डेथ से घबराया हुआ था। उसकी मॉम उसकी घबराहट देखकर उसके पास आई और टीवी का चैनल भी चेंज कर दिया। जॉनी की मामा बोली, बेटा ये सब न्यूज देखना बंद करो, हम जरा रोबन के पेरेंट्स से मिलकर आ रहे हैं, तुम बिल्कुल भी घर से बाहर मत जाना। ओके, जॉनी के पेरेंट्स रोबन के घर के लिए निकल गए और जॉनी फिर से टीवी पर न्यूज लगा कर बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर में टीवी के सारे सिग्नल चले गए, घर की लाइट्स भी अचानक से बंद हो गईं और टीवी भी बंद हो गया, और अचानक से टीवी फिर से ऑन हुआ और फिर टीवी पर जो जॉनी को दिखा उसके बाद जॉनी सुन पड़ गया। टीवी की स्क्रीन पर वही भयानक क्लाउन था और वो क्लाउन बोला, हेलो, सरप्राइज सरप्राइज। टीवी पर उस क्लाउन के हंसने की घर की सारी लाइट ट्रिगर करने लग पड़ी। जॉनी सुन होकर उसी क्लाउन को टीवी पर देखे ही जा रहा था कि अचानक वो क्लाउन टीवी के बाहर आ गया और वो क्लाउन बोला, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और दूसरी तरफ एना का घर अब भी सजा हुआ था। पिछले कुछ दिनों की तरह एना आज भी बड़ी मुश्किल के साथ स्कूल गई थी, पर एना की मॉम मेघन काफी घबराई हुई थी क्योंकि शाम के 6 बज चुके थे, पर एना अब तक स्कूल से वापस नहीं आई थी। स्कूल 3 बजे खत्म हो जाता था, पर एना को हर हाल में अब तक घर आ जाना था। मेघन ने आस पड़ोस पता किया तो सभी बच्चे स्कूल से अपने अपने घर वापस आ चुके थे। जो कुछ भी बेरिक टाउन में चल रहा था उससे मेघन काफी घबराई हुई थी। उसने स्टीव को फोन लगाया और उसको सब कुछ बताया। स्टीव भी मेघन की बात सुनकर काफी घबरा उठा। वो फौरन ही एना को ढूंढने के लिए ऑफिस से निकल पड़ा। वहीं जब दूसरी तरफ जॉनी के पेरेंट्स घर आए तो उनकी जान ही निकल गई। जॉनी भी घर की छत के साथ लटका हुआ था, उसके गले में कई सारे गुब्बारे बंधे हुए थे और उसके चेहरे पर ठीक वैसा ही मेकअप था जैसा रोबन के मुंह पर मेकअप था। बेरिक टाउन में एक और खौफनाक मर्डर हो चुका था। जॉनी भी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, लेकिन बेरिक टाउन की पुलिस के हाथों अब तक एक भी सुराग नहीं लगा था। डिपार्टमेंट के
सबसे काबल तरीन ऑफिसर को अभी कुछ ही दिनों बेरिक टाउन में ट्रांसफर किया गया था। जर्लार्ड ने काफी हाई प्रोफाइल मर्डर को सॉल्व किया था, लेकिन ये जर्लार्ड का पहला केस था जहां उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मर्डर किस तरह हो रहे हैं। मर्डर लोकेशन पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मौजूद थे। एविडेंस के नाम पर जो थे बस अतरंगी से गुब्बारे जिन पर कुछ अजीब से चेहरे बने हुए थे। खैर, लेकिन जर्लार्ड को जो सबसे ज्यादा सवाल परेशान कर रहा था वो था उन बच्चों के चेहरों पर एक क्लाउन का मेकअप। जर्लार्ड ने अपनी टीम को शहर में जितने भी सर्कल वाले और क्लाउन वाले थे उन सब की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा, और उधर किसी के पास भी ऐना की कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकल रही थी। और स्टीव और मेगन पूरे बेरिक टाउन में ऐना को तलाश कर रहे थे। तब ही स्टीव का फोन बजा और उसके फ्रेंड पीटर ने उसको बताया कि ऐना को किसी ने बेरिक टाउन के ग्रीवार्ड जाते हुए देखा था। तो स्टीव और मेगन तुरंत बेरिक टाउन के ग्रीवार्ड में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऐना की बाइसाइकिल बेरिक टाउन के ग्रीवार्ड के दरवाजे के सामने ही पड़ी है। तो वो फौरन अंदर गए। ऐना उस ग्रीवेट के अंदर रो रही थी, उसके चेहरे पर भी क्लाउन की शक्ल बनी हुई थी। मेगन ने भागते हुए फौरन ऐना को अपने गले के साथ लगा लिया। ऐना के पेरेंट्स उसको वापस घर ले जाने लगे। ग्रीवार्ड से निकलते हुए जब ऐना ने एक नजर पीछे हटाई तो उसे ग्रेवयार्ड के अंदर वही क्लाउन दिखा जो एक रात पहले उसी के कमरे में उसके साथ नाच रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ के इशारे से ऐना को बाय कहा। ऐना ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो बस उसी क्लाउन को देखती रही। तब ही अचानक जोरदार से बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। तो तब ही वही साधारण सा दिखने वाला क्लाउन वही खौफनाक सा बड़ा सा क्लाउन बन गया जो जॉनी और रोबन को मरने से पहले दिखा था। चीजें अब और ज्यादा पेचीदा होना शुरू हो गई थी। तो तब ही ऑफिसर जर्लार्ड को अपने केस से जुड़ा एक सुराग मिला। ऑफिसर जर्लार्ड के कमरे में उसी का एक ऑफिसर आया। सर, एक क्लाउन के बारे में अभी अभी कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। आई थिंक यू शुड सी इट। क्या मिला है पुलिस को? क्या पता चला है उन्हें? क्या वो क्लाउन ही लोगों के मर्डर्स कर रहा है? क्या इसके पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ है? पर ऐना का इन सब में क्या रोल है? उसके साथ उसे ग्रेवार्ड के अंदर क्या हुआ? क्या ऐना का वो डोल क्लाउन और वो खौफनाक क्लाउन एक ही हैं? ये सब जानने के लिए मेरे चैनल कार्टून उर्दू स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो के बारे में आपको मालूम हो सके।